हम यहाँ पर किस तरह मेहनत मजदूरी करते, ये सारे बैरून मुल्क से इनका ताल्लुक है, कोई भी दुबई का रेजिडेंस नहीं है। जितने भी आप देख रहे हैं ये जितने भी सारे, क्योंकि इसके इर्द गिर्द जितने भी होटल्स हैं यहाँ पर ज़्यादातर इंडियन, पाकिस्तानी, इंडोनेशियन और फिलिपिनी, अफ्रीकन, ये आगे अगर आपको दिखाऊँ ये भी सारे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। मैं इस वक्त दुबई का इलाका है डीरा, यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर बड़ी तादाद है पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंकन, फिलिपिनी, अफ्रीकन जो कि बड़ी तादाद में मुकीम है। मेरा होटल भी यहाँ पे करीब ही है, अबजद क्राउन होटल, जहाँ पे मेरी रिहाइश है। और आपको मैं दिखाऊंगा सरगर्मियाँ इनकी का पाकिस्तान में, अगर जो वो शाम को जाकर अपनी फैमिलीज़ को टाइम देते हैं तो जाहिर सी बात बेचारा परदेश है, परदेसी है, वो आपको यहाँ पर अपना दिल लगाने के लिए दोस्तों में नज़र आएगा। तो मेरा करीबी यहाँ पर होटल था, मैं डेली यहाँ पर देखता था, मुझे एहसास होता था वाकई यार ये वो पाकिस्तानी है, ये वो इंडोनेशियन, इंडियन, कोई भी किसी भी मुल्क से उनका ताल्लुक़ हो लेकिन परदेश हैं और अपनी अपना दिल लगाने के लिए वो आते हैं यहाँ पर, दोस्तों में गपशप करते हैं। अभी आपको मैं ये पार्किंग एरिया क्रॉस करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कोई लूडो खेलता नज़र आएगा, कोई ताश खेलता नज़र आएगा और कोई आपको यहाँ पर खुशगपियाँ लगाते हुए, हंसते मुस्कराते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है फैमिलीज़ की याद तो आती है लेकिन उस चीज़ को अपने आप को रिलैक्स करने के लिए वो आते हैं, दोस्तों में बैठ जाते हैं। अभी आप देख रहे होंगे सामने, अभी आपको ये दोस्त नज़र आ रहे होंगे और ये सामने होटल है अबजद क्राउन होटल मेरा, और वो बिल्कुल आपको सामने ये वॉकिंग एरिया में आपको बड़ी तादाद में लोग नज़र आ रहे होंगे। ये मैं जूम इन करके दिखाता हूँ, ये देखें जी, करीब जाके आपको दिखाता हूँ, कोई किसी नुक्कड़ में बैठा हुआ है, कोई किसी नुक्कड़ में बैठा हुआ है और लूडो खेल रहे हैं बैठे। ये सारा वॉकिंग एरिया है, यहाँ पर आप साइकिल भी चला सकते हैं, बाइक भी चला सकते हैं, लेकिन जो गाड़ी है वो यहाँ नहीं चल सकती। रोड क्रॉस कर लिया है, रोड के पार इस पार आ गया हूँ, आपको मैं दिखाऊँगा, ये पाकिस्तानी बैठे हुए हैं यहाँ पर बड़ी तादाद में और यहाँ पर अपना वक्त गुजारते हैं, दोस्तों के साथ खुशगपियाँ लगाते हैं। और ये देख रहे हैं आप पाकिस्तानी जितने भी हैं ये सारे, ये यहाँ कोई पाकिस्तानी है, यहाँ कोई इंडियन है, या दूसरे ममालिक से, अरबी यहाँ पर कोई भी नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो अरबी हैं उनके अपने अपने घर होते हैं, वो तो काम काज से फ्री होकर अपने घर वापस चले जाते हैं, ये सारे पाकिस्तानी हैं। अच्छा, मैंने कोशिश की कि किसी पाकिस्तानी से बात करूँ लेकिन कोई पाकिस्तानी बात नहीं है, कोई भी किसी भी दूसरे ममालिक से बात नहीं करता, क्योंकि वो शायद अपने घर वालों को चीज़ दिखाना नहीं चाहते कि हम यहाँ पर किस तरह मेहनत मजदूरी करते, ये सारे बैरून मुल्क से इनका ताल्लुक है, कोई भी दुबई का रेजिडेंस नहीं है। जितने भी आप देख रहे हैं ये जितने भी सारे, क्योंकि इसके इर्द गिर्द जितने भी होटल्स हैं यहाँ पर ज़्यादातर इंडियन, पाकिस्तानी, इंडोनेशियन और फिलिपिनी, अफ्रीकन, ये आगे अगर आपको दिखाऊँ ये भी सारे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। और पूरी लेन अगर आप चलते जाएँ, एक बहुत बड़ा ये एक एरिया है जहाँ पर बड़ी तादाद में बैरून मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले जो कि यहाँ पर आए हैं मेहनत करने के लिए, अपने घर वालों की बेहतरीन कफालत के लिए, अपना घर बार छोड़ के। तो ये देखिए जी, ये पाकिस्तानी हमारे ऐसे या कोई भी कंट्री से ताल्लुक़ रखने वाला अगर कोई बैरून मुल्क आता है तो वो शाम को अपना वक्त इस तरह गुजारते हैं, दोस्तों में खुशगपियाँ लगा के और हंस खेल के, लूडो खेल के, ताश खेल के, या दिल किया तो किसी स्नूकर क्लब में चले गए। ये वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं पाकिस्तानियों की या किसी भी दूसरे ममालिक से लोगों की जो यहाँ पर आते हैं। और बात मैंने करने की कोशिश की लेकिन कुछ बेचारे नहीं करना चाहते, या कुछ का हो सकता है किसी का कोई वीज़ा एक्सटेंड हो गया हो तो यहाँ वो किसी को उसका मसला मसाइल बनाओ। अब मैं अपने होटल वापस जा रहा हूँ और ये वॉकिंग एरिया रोड क्रॉस कर रहा हूँ मैं, ये सामने भी आपको मैं दिखाऊँगा, स्टिल ये यहाँ पर खाने पीने का एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, सामने मोबाइल शॉप और साथ ही कवाला। वीडियो का एंड मैं इसी पैगाम से करूंगा कि जितने भी पाकिस्तानी हैं या बैरून मुल्क ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी वो लोग जिनके प्यारे किसी भी मुल्क में कमाने के लिए जाते हैं, तो अगर वो कदर नहीं करते उनकी तो कदर कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो किस तरह यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपना आप मारा होता है, शॉपिंग नहीं करते, खाते पीते बहुत नॉर्मल हैं, क्योंकि यहाँ का एक दरम पाकिस्तानी चार्टर पर बनता है। और अगर आप पांच धर्म का कुछ लो तो आप 1000 दफ़ा सोचोगे यार पाकिस्तानी 300 का बनता, तो पांच धर्म की यहाँ पे मैंने एक स्ट्रॉबेरी शेक आता है 3.5 धर्म का, 1.5 धर्म का केक है, वो खा कर आप घंटा 2 घंटे गुजार सकते हो, लेकिन प्रॉपर खाना आपको ज़रूरत होती है।
ऐसे ऐसे पाकिस्तानी मैंने देखे हैं जो ऐसा गुजारा करते हैं। तो बेहतर यही है कि आप से जितने भी पाकिस्तानी हैं उनके प्यारे आप इस ममालिक में मुकीम हैं, बिरूने मुल्क में हैं, उनकी इज़्ज़त करें, उनकी कदर करें, उनके पैसों की, बेची हुई पैसों की कदर करें और उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और अल्लाह ताला उनके हालात इस तरह के बना दे कि वो यहाँ से पैसा कमाएँ जल्द, बजाय इसके कि सारी सारी ज़िंदगी बाहर गुजार दें, चंद अरसे में पैसा कमा के अपने मुल्क में जा कर वो अपने बच्चों के पास रोज़ी रिस्क कमा सकें। और जितने भी पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तान में बैठकर अपना रिस्क कमा रहे हैं वो बड़े खुशकिस्मत हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये खुशकिस्मत नहीं, ये भी खुशकिस्मत हैं कि ये चले इनको मौका मिला है कि बाहर आकर कमाई कर सकें, लेकिन इनमें कमाई करने और पाकिस्तान में बैठे कमाई करने में बड़ा फ़र्क है। ये लोग सारे अपने बच्चों से दूर हैं, देख रहे हैं सामने आप, ये सब अपने बच्चों से दूर हैं, ये अपनी बीवी से दूर हैं, अपने वालदैन से दूर हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इनके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करें और इनके लिए इस तरह के हालात पैदा हो जाएं कि चंद अरसे में इतना पैसा जोड़ें कि अपने मुल्क में जाकर सुकून से अपनी फैमिली में रह सकें।